सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत में कई दिनों के बाद ना अपनी घासनी से कर रही हूँ, और यहाँ पे जो घास है ना वो थोड़ा सा ही बचा हुआ है, और ये गड्डी यहाँ पे हो गई है, और थोड़ा सा घास या जो ये पहाड़ी है ना इसकी परली साइड है थोड़ा सा, और कर लिए मैंने झाड़ू जो काउ सेड में लगाते हैं ना झाड़ू, हमारे इनको ना छिछड़िया बोलते हैं, और आपके क्या बोलते हैं ना मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये देखो ये चीज़ ना धीरे धीरे ख़त्म हो रही है अब, पहले ना ये जो झाड़ू होते थे ये हमारे घर के आसपास में मतलब जंगल में मिल जाते थे कहीं ना कहीं, लेकिन अब ये ना ख़त्म हो रही है ये चीज़। तो ये जो घासनी है ये काफ़ी दूर है, और हमें ना यहाँ से ले जानी पड़ती है, गाँव की जो भी महिला होती है ना उनको सबको अपनी अपने अपने घासनी से ये वाली झाड़ू ले जानी पड़ती है, क्योंकि पशुओं के काउ सेड में ना इससे बहुत अच्छी झाड़ू लगती है। तो ये हमें स्टोर करके रखनी पड़ती है, क्योंकि अब जब घास ख़त्म हो जाता है ना तो घास में फिर एक साल के बाद मान के चलो आप जब तक घास काटने लायक नहीं हो जाता ना अगला नया घास, तब तक भी घासनियाँ तक नहीं आती। और ये दूर की घासनियाँ ना इनमें तो अगले साल ही आएंगे फिर इसी टाइम पे, और कुछ सुखाने के लिए काटते हैं तब आते हैं लोग। तो मैं बैक कैमरे से आपको आसपास का व्यू दिखा लेती हूँ, और अभी भी मेरे पास ना घास नहीं हुआ है, अभी मुझे और काटना है थोड़ा सा। तो सोचा चलो काफ़ी दिन हो गए घासनी से अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज, और ये तो हमें कंटिन्यू ले जाना पड़ता है घास, जब तक ख़त्म ना हो ना तब तक आना ही पड़ता है। लेकिन काफ़ी दिन हो गए आपको खेती बाड़ी घर का ही दिखा रहे थे और कीर्तन भजन दिखा रहे थे, तो सोचा चलो आज घासनी का दिखा लेते हैं, थोड़ा सा बैक कैमरा करती हूँ, और उसके बाद फिर अभी मेरे पास हुआ नहीं है घास में थोड़ा सा ना और काट लूँगी। तो इस कैमरे से ना इतना साफ नहीं दिखाई देता पर दिखाना तो पड़ेगा ही। तो ये हमारा गांव है नीचे, ये पूरा जो आपको ये दिख रहा है, और वहाँ पे लगा है भागवत जो माता का मंदिर है, शिव मंदिर के ऊपरली साइड जो माता का मंदिर है भीमा काली का, वहाँ पे भागवत लगी हुई है। और अभी सुबह का टाइम है 9:15 बजे का, तो लगा। और ये रही मेरी काउ सेड में लगने वाली झाड़ू, ये भी मैंने इकट्ठी कर ली है यहाँ से, ये इनको ना स्टोर करके रखते हैं तो काफ़ी झाड़ू बन जाएगी। और इधर ये हमारी घासनियाँ, पहले का काटा हुआ घास था और अब आ रही हूँ मैं, और मतलब घासनियाँ ना खाली करनी पड़ती है, फिर नया घास आएगा ना तो ये पुराने वाला ना ख़राब हो जाता है, तब मैं इस परली साइड जाऊँगी, यहाँ पे परली साइड भी है थोड़ा सा, वहाँ से ले आती हूँ। और फिर तो ये हो गया मेरा घास वाला बुज्जा, और ऊपर से मैंने ये झाड़ू बांध दिए, और अब उठाते हैं और चलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि धूप भी लगी है और आजकल की धूप ना बड़ी ख़राब होती है, ऐसा धुंधला धुंधला मौसम है फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी, जब मौसम ख़राब हो होता है ना तब ठंड लग जाती है और जब धूप लगती है तो गर्मी हो जाती है, पर आजकल का मौसम भी ऐसा ही होता है, काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं होता है, छुप जाता है। तो उसके बाद पहाड़ों का व्यू ना कुछ इस तरह का होता है, बहुत ही प्यारा प्यारा, और जैसा मॉर्निंग का टाइम होता है ना उसी तरह का पंछियों का चहचहाना और बड़ा शांत शांत जैसा मौसम। तो चलो मैं आपको बैक कैंप से ना आसपास का पूरा व्यू दिखाऊंगी, और मैं यहाँ पे ना इन दोनों बकरों को साथ में लेकर आ गई हूँ चराने के लिए, क्योंकि पत्ती ना घर में ख़त्म हो गई और इनको ना आदत ही नहीं है पत्ती चरने की, तो इनको भी आदत डाल रही हूँ मैंने से। चलो आज यहाँ पर ना काफ़ी सालों के बाद आई हूँ, पहले जब हमारे पास ना बकरियाँ होती थी 20-25 तब आते थे इस तरफ, यहाँ काफ़ी सालों के बाद आना हुआ, तो आसपास का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी कैप्चर करते हैं बैक कैमरे से। और बैक कैमरे से ना जो माता का मंदिर है वहाँ पे कामाक्षी माता का वहाँ पे लगी हुई है भागवत, वहाँ पे गाने लगे हुए हैं, तो कहीं कॉपीराइट ना आ जाए इसके डर से। तो आसपास नए घर ना काफ़ी बन गए हैं, और ये है सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, यहाँ यहाँ से भी मैंने आपके साथ काफ़ी व्लॉग शेयर किए हैं, ये नीचे ये वाला भी नया मकान हुआ, और उस साइड हैं वो भी नए मकान, मतलब यहाँ पे ना ज़्यादा नए मकान बन गए हैं। और ये जो स्कूल है हमारे घर के पास ना ये भी नया ही बनकर तैयार हुआ, पहले यहाँ पे हमारा घर हुआ करता था, और एक हमारे घर से ऊपर एक घर दीदी उनका घर हुआ करता था, और एक घर ये हुआ करता था, और एक घर में आगे जैसे जाकर बताती हूँ आपको ये घर होता था। तो हम 1 2
तीन और चार, चार लोग हुआ करते थे यहाँ पे दूरी दूरी पे रहते थे। अब तो ना काफ़ी लोगों ने काफ़ी घर बना दिए हैं, जहाँ जहाँ ज़मीन होती है ना लोगों की, वहाँ वहाँ ही लोगों ने घर बना दिए हैं। तो अब तो ऐसा लगने लगता है कि गांव यहाँ पे हो गया है, और हमारा जो गांव है ना वो साइड को उस साइड है हमारा गाँव। और ये जो यहाँ कामाख्या माता का मंदिर है ना, यहाँ पे भी छोटा सा गाँव है। और थोड़ा बैक साइड में ना हम लोग ही बसे हुए हैं, पर हम ठीक है गांव से थोड़ा बैक में, क्योंकि गांव में ना बहुत बड़ा पंगा होता है। जितना सुख होता है उतना दुख भी होता है, जितना दुख होता है उतना सुख भी होता है। तो हल्की हल्की बूंदे ना बारिश की लगी है, और अब हमें चलना चाहिए क्योंकि ये ना फिर बीमार हो जाते हैं जल्दी। तो हल्की हल्की सी लगी है बूंदाबांदी, अब चलते हैं घर पर। आज ना मैं ऐसे ही आ गई हूँ इनको लेकर, क्योंकि अब जो हमारा फसल का काम था ना थोड़ा थोड़ा वो भी क्लोज होने लग गया है। तो सोचा चलो आज अपने बकरे को ले जाती हूँ चुगाने के लिए, और नई जगह से नया व्यू भी दिखाती हूँ। और काफ़ी लोग, काफ़ी टाइम हो गया है ना आपको ऐसा फ्री का ब्लॉग नहीं बनाया, ऐसे काम 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 ये किया वो किया, पर आजकल उतना ज़्यादा नहीं, घर का तो कभी ख़त्म नहीं होता। बर्तन साफ करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, और कपड़े की धुलाई करो, पशुओं का काम ये तो खत्म भी नहीं होता। लेकिन जो हमारा खेतीबाड़ी का काम था ना वो हल्का फुल्का सा ख़त्म हो गया, अब मक्की बीजने को बची है, बाकी कर ही दिया तकरीबन। ठीक है तो अब चलते हैं घर में, और बारिश लगने लगी है, हो सकता है लग भी जाएगी जितने को मैं घर पहुँचूँगी, है ना। और अगर बारिश नहीं हुई ना तो शाम को जहाँ भागवत लगी हुई है वहाँ पे जाएंगे हम कीर्तन करने के लिए। अगर कोई अच्छा सा वीडियो रहा ना तो ज़रूर शेयर करूँगा। तो टाइम जो है ना 8:15 का हो गया है, और आरती का जो टाइम है वो है 8:00 का, और मंदिर में लग गई है आरती। और हम अपना जो ब्लॉग है तो इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। और क्लोज करने से पहले, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है, मैंने सभी के मैसेज पढ़े, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। और भगवान करे आपको भी ऐसी खुशी मिले, जिनके अभी पेमेंट नहीं आई हैं, चैनल मोनेटाइज हो गए हैं, उनकी पेमेंट बहुत जल्दी आ जाएंगी। आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाती है। ठीक है, आप जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं हुए हैं उनके चैनल भी मोनेटाइज हो जाएंगे। ठीक है, डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, मेहनत एक ना एक फल ज़रूर देती है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर क्लोज कर देते हैं, और जो भी हमारा कीर्तन भजन का वीडियो रहेगा वो मैं आपके साथ आगे शेयर ज़रूर करूँगी। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय देवभूमि हिमाचल।